तो एक जो 150 रुपए इनकम थी पहले, 200 में से 50 किराया देने के बाद, अब वो अब क्या हो गई है अंदाज? तकरीबन 30 से 35% इनकम उनकी बढ़ी है, बढ़ गई तो 50 रुपए ऑन एन एवरेज उनकी इनकम बढ़ी है। ओके, सो टू थिंग्स, जो दो चीजें मुझे जो नजर आई आप दोनों में कॉमन, एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, बिल्कुल, रिक्शे वाला हो चाहे वो क्राफ्ट में जो इनको तैयार कर रहा है या जो प्राप्त कर रहा है वर्क के बदले में, आई थिंक दैट्स वेरी गुड। डू पीपल फील यू नो सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड दे रिस्पेक्ट देमसेल्फ द फैमिली, इज इट, डू यू फील दैट इमोशन इन ऑल दिस? आई थिंक वी ऑल विल अग्री, बदकिस्मती से इंडिया में डिग्निटी ऑफ लेबर का मामला थोड़ा सा ये रहा है, ढीला ही रहा है, और मुझे लगता है कि रिक्शे वालों की तरह, जैसे मैं अग्रवाल साहब से भी डब्बा वाले की स्टोरी सुन रहा था, इट्स ऑल अबाउट पैशन, और गरीबों के पास शायद वो सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप रिक्शे वाले को, जब वो आपको अपने घर पे छोड़ता है, आपने जो किराया उसने मांगा आपने दे दिया, अगर आप उससे सिर्फ ये पूछ लो कि आप पानी पियोगे, विल बी सोल्ड। पैसे की कैलकुलेशन, नंबर्स, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो एक डिग्निटी है, सम्मान, अगर आप इज्जत से रिक्शे वाले को अगर धन्यवाद बोल दें, तो अगली दफा जब आप सड़क पे हैं, आप हो सकता है उस रिक्शे वाले को ना पहचाने, बट टेक माय वर्ड, वो आपको पहचानेगा। या चढ़ाई पे रिक्शे से अगर आप उधर जाएं और उसको भरी धूप में खींचना नहीं पड़े, सिंपल थिंग, सिंपल, और एंड इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, कई दफा हमारे यहाँ जब जो कम्युनिटी गैदरिंग होती है, जो हम 15 दिन पे हर 2 हफ्ते पे करते हैं, उसमें हम रिक्शे वाले आकर केस शेयर करते हैं कि भाई अगर कोई ऐसा वाकया हुआ जब उसे लगा कि वो कुछ बहुत अच्छा काम कर रहा है, कई दफा ऐसा हुआ, एक रिक्शे वाले ने एक बात कही कि एक सवारी ने, बहुत छोटी सी बात है हमारे लिए, शायद हम उसको नोटिस भी नहीं करते हैं, कि किसी सवारी ने उसको जब छोड़ा घर पे, तो किसी सवारी ने उसको बैठाल के चाय पिलाई, एंड वाइल शेयरिंग दिस स्टोरी गाय वॉज लिटरली क्राइंग कि साहब मैं 20 साल से ये काम करता हूं और आज तक मुझे किसी ने अपने घर में नहीं बुलाया, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि आई हैड एन आइडेंटिटी कार्ड, मैंने एक यूनिफॉर्म रेड टी शर्ट पहन रखी थी और उस सज्जन ने मुझे बोला कि 2 मिनट बैठ के चाय पी लो तब जाना। इट मीन्स अ लॉट। तो बड़ी इमोशनल सी स्टोरी याद आ रही है कि यू स्पोक अबाउट इमोशन। हम लोग क्या करते हैं कि रात को 10 से 1 बजे के बीच में ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली, दैट्स द ओनली पार्ट विच हैपन्स विदाउट क्लॉक फॉर वर्क। हमारा ये मानना है कि 10 बजे जो ठंड से ठिठुर के सो रहा है वो फिर कोई ड्रामा नहीं कर रहा है कि भाई कपड़ा नहीं है इसलिए भीख नहीं मिलेगा एंड ऑल दैट, सो दैट्स अ जेन्युइन केस। सो व्हाट वी डू वेरी एनोनिमसली, वी ऑल द वॉलंटियर्स इन द टीम, वी गो एंड एवरी 31st December वी आर देयर ऑन रोड्स। तो वो हम लोग का एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन का एक तरीका है, तो हम उसमें बड़ी शांति से लोगों को सामान देते हैं, किसी को बताते नहीं कुछ। दो इंसिडेंट उसके मैं आपको बता दूं, पहला बहुत पहले स्टार्टिंग में जिसने हमको एक इंसिडेंट ने बहुत कुछ सिखाया, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एक है वहां पर एम्स, जिसमें सबसे ज्यादा पेशेंट जाते हैं और डॉक्टर्स की डेट नहीं मिल पाती, तो वो जो पुअर पेशेंट है वो वहीं की वहीं रह जाता है, सड़कों पर सोता है, दिन में फिजियोथेरेपी कराता है, बाहर में आके रात को ठंड में 5 डिग्री 4 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है। तो रात को 12:30 बजे एक मारुति 800 में हम लोग लेके पहुंचे हुए सामान, एक महिला कोई सामान आपसे नहीं ले रही है, पीछे से उतार नहीं रही है, को ढूंढे जा रही है। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा अम्मा ये रात के 12:30 बजे हैं, तुम क्या ढूंढ रही हो? तो बोलते हैं कि बेटा मेरे को एक कोई काला कपड़ा चाहिए, कोई काला शॉल या काला स्वेटर चाहिए। तो हमने कहा मतलब रात के 12:30 बजे कोई काला कपड़ा मांग रहे हैं आपसे, क्या वजह? तो बोले बेटा मेरे पास एक लाल साड़ी है और मेरे को मालूम है कि यदि मैं काला पहनूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो शायद वो दिन था जिस दिन हमने ये सीखा कि जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, वो सिर्फ हमारी नहीं है, वो जो जिसको आप डोनर्स प्राइड कहते हो, क्या वो जो रिसीवर है उसकी डिग्निटी नहीं बन सकता? क्या उसकी इच्छा नहीं है? क्या उसने कभी ऐसा नहीं हो सकता कि साधना की पुरानी हीरोइन थी, उनकी मूवी देख ली हो, वो अक्सर ये ड्रेस पहना करती थी कि भाई लाल पे काला मुझे भी अच्छा लगेगा, क्यों नहीं लग सकता? मुझे लगता है कि जो एक जो हम अक्सर कहते हैं ना कि जो सो कॉल्ड डोनेशन है उसका जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि दैट यू गिव व्हाट यू हैव, यू नेवर गिव व्हाट पीपल नीड। एक सबसे बड़ा गैप ये है, तो वो फिल करना बहुत जरूरी है किसी भी ऐसे काम में जब आप किसी के लिए भी आप काम करें।
एक और प्यारा सा टचिंग इंसिडेंट जो हमारे लिए बहुत एनर्जी है, हम लोग एक बार दोबारा रात को एक निजामुद्दीन की वहां दरगाह है और काफी लोग आते हैं वहां माइग्रेट करके, तो हम लोग रात को एक बार निकल रहे थे और हमने एक शख्स था जिसका वो डिडंट हैव अ लेग, तो क्रचेस से वो चल रहा था, तो वी जस्ट गिवन ओवरकोट टू दैट पर्सन। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये बंदा हमारे पीछे भागने की कोशिश कर रहा है, तो यदि कोई दोनों पैर से आराम से भागता है तो आपको रहता है कि भाई कोई छोटा मोटा लूट का हो सकता है या कुछ कहना चाहता है, ये क्या कर, तो वी जस्ट स्टॉप दिस गाय एक्चुअली स्टॉप लाइक दिस, जैसे उसने देखा कि गाड़ी रुक गई, स्टॉप हिमसेल्फ। उसके बाद उसने दोनों क्रच ऐसे रखा, हाथ ऊपर उठाया और बहुत जोर से चीखा, वो कहता है अब हुई है मेरी ईद। सडनली वी रियलाइज दिस इज दी डे, दिस इज डे ऑफ ईद। हम लोग बचपन से प्रेमचंद की कहानियां पढ़ रहे हैं, हमको मालूम है, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से उठा हूं और हम लोगों ने हमारी अपनी स्ट्रगल है लाइफ की, तो हम प्रेमचंद की कहानियां पढ़ पढ़ के जानते हैं कि दिवाली और ईद नए कपड़े और गले मिलने का एक मौका होता है लोगों के लिए। रात को 12:30 बजे तक एक इंसान की जिंदगी में ईद का कोई साइन नहीं है। 12:30 बजे रात को उसको किसी इंसान का एक उतरा हुआ पुराना डिस्कार्डेड कपड़ा मिलता है, इवन दैट गिव्स हिम सच अ बिग हैप्पीनेस। इमोशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इंटीग्रल पार्ट। मैं एक बहुत बढ़िया बात शेयर करूंगा, बहुत सही कहा इन्होंने। अभी हाल फिलहाल हमारे यहाँ किसी बिजनेस स्कूल से केस लिखने के लिए कुछ लोग आए, तो वी हैड अ कम्युनिटी गैदरिंग, वो कुछ रिक्शा वालों के साथ मिलकर बात कर रहे थे, मैं भी वहीं पे था, और जो प्रोफेसर है मिस्टर आई रिमेम्बर हिज नेम प्रोफेसर मिश्रा, उन्होंने पूछा एक रिक्शे वाले से कि यार एक बात बताओ, क्या वजह है तुम 20 साल से रिक्शे चला ही रहे थे, क्या वजह थी, मतलब क्यों तुम सम्मान में क्यों आए? और जो बात उसने कही शायद वो हम बिजनेस स्कूल में सुनते हैं, कॉरपोरेट के बोर्ड मीटिंग्स में सुनते हैं, दैट वाज द डे व्हेन आई रियलाइज। ओ, उसने बोला कि साहब मुझे मेरे दोस्त ने कभी कहा था कि जब तुम ट्रेन में चलते हो और ट्रेन के अंदर बैठे होते हो तो ये सिर्फ ट्रेन नहीं होती है जो 110 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, तुम भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हो। और मैंने देखा, 2 साल तक मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे देखा, मुझे लगा कि अगर मैं इसमें जाता हूँ तो मेरी भी ऐसी ही तरक्की होगी, क्योंकि 20 साल से मैं करता रहा था और मैं रिक्शे का मालिक तो कभी नहीं बना। दिस इज वॉट मोटिवेट्स यू, दिस इज वॉट कीप यू अवेक, दिस इज वॉट यू नो मेक यू मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर वर्क, दिस इज वॉट मेक यू मोर अकाउंटेबल, दिस इज वॉट यू नो योर अल्टीमेट एनर्जी। आखिरी सवाल दोनों से, अगर इफ आई एम श्योर यू इंस्पायर्ड मेनी पीपल हियर, अगर कोई अपने गांव, शहर, कस्बे या जयपुर में इसको रेप्लिकेट करना चाहता है इस मॉडल को, चाहे वो रिक्शा को हो चाहे वो कपड़े का, तो आई एम श्योर अंशु यू आर ऑलरेडी प्लानिंग समथिंग रेपिटेटिव काइंड ऑफ अ थिंग, यू सक्सेस, वुड इट बी पॉसिबल फॉर देम टू सीक वेदर पीएनबी इज माइक्रो फाइनेंस और वुड यू बी एबल टू हेल्प? आई थिंक नो वन विल बी मोर हैप्पियर देन अस इफ समबडी कम फॉरवर्ड टू रेप्लीकेट इट, बिकॉज जो हिंदुस्तान की आबादी है वो इतनी ज्यादा है कि कुछ लोग एक इरफान या एक अंशु या एक अग्रवाल साहब ये काफी नहीं है। मुझे लगता है कि हर शहर हर कस्बे में ऐसे लोग होने चाहिए, और एज फार एज रेप्लीकेटिंग रिक्शा मॉडल इज कंसर्न, कोई भी अगर जयपुर में या राजस्थान के किसी शहर में आप रेप्लीकेट करना चाहते हो, गिव अस अ 15 days time, we will share our SOPs, training, we will give you the banking linkage, we will give you the best assembler who will assemble rickshaw locally here for you, and we would be the most happiest and the proud, you know, to partner with you guys. मेरे को आपसे एक बात करनी है, बहुत जरूरी, और वो बात यह है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इट्स ए कंपल्शन दैट यू डू समथिंग। ठीक है, हम लोग बहुत खुश होकर कह सकते हैं कि ऑप्शन है, क्योंकि हमको गंद में रहने की आदत हो गई है, हमने इस देश के स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया है। मैं एक जो बात अक्सर जो यूथ से करता हूँ अपने जितने भी सेशंस होते हैं, मैं लोगों से यही पूछता हूँ कि अब आप लोगों को गुस्सा आना क्यों बंद हो गया है? जब आपके दिल्ली, आपकी राजधानी में हर महीने एक लड़की का एक रोमिंग कार में रेप हो जाता है, तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आता?
क्यों नहीं आपको गुस्सा आता, आप करते क्यों नहीं? तो आप ये मान के चलिए कि आप जो भी करेंगे वो आप अपने लिए करेंगे, आप किसी के लिए नहीं कर रहे। समाज सेवा वगैरह कोई चीज नहीं होती, इसको मान के चलिए। आप जो कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं, बिकॉज यू वॉन्ट टू लिव इन अ बेटर सोसाइटी। आप जाके ISB में करते हैं, 20 लाख रुपए का कोर्स करते हैं, IIM में करते हैं, फिर 15-20 लाख रुपए लगाते हैं, 2 साल उसमें लगाते हैं, अगले 10 साल तक उसका लोन पे करते रहते हैं। बट क्या आपने कभी ये सोचा कि अल्टीमेटली आप आके किस इकोसिस्टम, किस माहौल में काम करते हैं? आप यदि एक फुटपाथ पे चलते हैं, मुझे आप एक बार बताइए, मुझे वर्ल्ड का कोई एक देश ऐसा बताइए जहां पर प्राइवेट स्कूल को पब्लिक स्कूल बोला जाता हो। हम बोलते हैं, कोई एक ऐसा देश बताइए जहां पर यदि सुप्रीम कोर्ट आवाज ना उठाए तो जनता आराम से बैठ के सो जाएगी। आपने इससे पहले जब बॉम्बे में सब कुछ हुआ था, हम लोगों ने उसके बाद क्या किया? हम सिर्फ हर एक पर्टिकुलर नवंबर की एक डेट को जाते हैं, एक मॉन्यूमेंट पे जाते हैं, 2,000-5,000 किलो मोमबत्तियां जलाते हैं, वी कम बैक सिंगिंग सम देशभक्ति सॉन्ग। उसके बाद अभी जो ये सारा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, हम में से किसी इंसान ने कभी आवाज उठाई? तो मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या सिक्योरिटी है ये। हम किस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, हम किस माहौल की बात कर रहे हैं, हम किस समाज सेवा की बात कर रहे हैं, हम किस समाज की बात कर रहे हैं? मतलब मुझे तो लगता है कि इट इज अवर बेसिक हार्ड कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग, नॉट फॉर अ सर्टिफिकेट, नॉट एज अ CSR एक्टिविटी, नॉट एज सोशल वर्क, बट वी हैव नो ऑप्शन, वी हैव नो चॉइस। क्योंकि यदि आप वही लड़की, हमारे घर की कोई बच्ची है, हमारे घर की कोई महिला है, तब हमें एहसास होगा। आप किसी भी सड़क पर आजकल चलते हैं, आप खुद सोच के देखिए, आप जिस फुटपाथ पे चलते हैं उसके नीचे एक गटर है, उसके बाएं हाथ पर बिजली का एक खुला हुआ तार है, और उसके दाएं हाथ पर ब्लू लाइन नाम की एक बस है जो अभी तक 2,000 लोगों को मार चुकी है। यह आप हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि हम में से कोई इंसान कभी यह सवाल क्यों नहीं उठाता, जब आपके पास पानी का बिल आता है ना सबके पास, तो क्या उस पानी के बिल पर यह लिखा है कि यह पानी सिर्फ नहाने और कपड़े धोने का है? आपने कभी लिखा पाया? बट नल में आए हुए पानी का आप क्या करते हैं? आप नहाते हैं उससे, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं। मैं सोचता हूं कि क्यों हर एक इंसान अपना पानी अपने घर में प्योरीफाई करेगा? मेरे नल में जब मैं बिल देता हूं उसका, मेरे नल में पीने का पानी क्यों नहीं आता? मेरे बिजली के तार में बिजली क्यों नहीं आती? मैं क्यों इन्वर्टर खरीदूं, मैं क्यों जनरेटर खरीदूं? हर एक काली रोड के ऊपर मैं टोल टैक्स क्यों दूं? Why should I pay toll tax? A basic road is my basic right. 60 किलोमीटर की स्पीड पर यदि मैं चलता हूं तो मुझे चलने दो, मुझसे टैक्स मत लो, मैं और बहुत सारे टैक्स देता हूं। 150 किलोमीटर का जयपुर हाईवे बना के दिखाओ और मुझसे टैक्स लो, मैं टैक्स दूंगा। तो समाज सवाल क्यों नहीं उठाता? आप वेट किसकी कर रहे हैं? ये 3 दिन का देखिए हमारा बहुत अब मतलब पिछले 10-12 साल का कम से कम ये तो तजुर्बा हो ही गया है कि हमने 100-200-500 हजार लेक्चर दे डाले और कोई काम हमने किया हो या ना किया हो। पर हमको बड़ा दुख होता है जब 3 दिन के बाद हम वापस उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। हम अपने काम में पहुंच जाएंगे, आप अपनी जिंदगी में पहुंच जाएंगे, एक हल्का बहुत सा दिमाग थोड़ा बहुत बदला, उससे कोई फर्क नहीं है। क्योंकि एक बात जान लीजिए, दिस कंट्री डज नॉट नीड थिंकर्स एनी मोर, इनफ ऑफ थिंकिंग। द ओनली थिंग विद दिस कंट्री नीड्स इज एन एक्शन। और यदि आप एक थॉट में एक एक्शन जोड़ते हैं तो वो इनिशिएटिव होता है। दिस इज वॉट दिस कंट्री नीड। आप बहुत किस्मत वाले हैं, आप स्विट्जरलैंड में पैदा नहीं हुए, नीदरलैंड में पैदा नहीं हुए, क्योंकि यदि वहां पर आपके दिमाग में कोई समाज के लिए कुछ करने का कीड़ा उठता तो आपको यहीं इंडिया आके करना पड़ता। आप बड़े किस्मत वाले हैं, आप बिल्कुल बाहर निकलते हैं और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। और मैं सोचता हूं कि अपॉर्चुनिस्ट होने में क्या बुराई है, तो इस चीज में अपॉर्चुनिस्ट क्यों नहीं होते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनके काम के लिए आई थिंक दे नीड अ स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू।